जन स्वराज पद यात्रा के सूत्राधार प्रशांत किशोर दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे गया। बोले, बेलागंज और इमामगंज उपचुनाव लड़ सकता है जन स्वराज। इमामगंज और बेलागंज में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज की भागीदारी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव लड़ेगा तो बेलागंज और इमामगंज दोनों जगह पर लड़ेगा। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव होता है तो जन स्वराज के साथ ही अगर मिलकर तय करते हैं कि चुनाव लड़ना है तो जन स्वराज से जुड़े किसी निर्दलीय साथी को समर्थन देकर चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर जन स्वराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। अभी हमको पता नहीं है कि उपचुनाव का डेट अभी शायद अनाउंस हुआ है, अभी डेट हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को दल बनना है। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो जन स्वराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करी जाएगी, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो जन स्वराज की व्यवस्था से जुड़े हुए किसी साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, जन स्वराज समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। जन स्वराज में जो जुड़ रहा है वो पैसे देके जुड़ रहा है। अब देखिए, ये लोग बोलने से पहले अपनी ही बात नहीं देखते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के दल RJD के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जन स्वराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं, समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ जुड़े रहिए। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि RJD के लोग पैसा लेकर जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तो RJD के कार्यकर्ताओं को अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। भाई अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं जन स्वराज में, यही तो जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब बताइए, अपने ही नेता को कह रहे हैं कि पैसा लेके जन स्वराज में गया है। तो भाई पत्र तो आपने निकाला है कि RJD के सारे नेता आप लोग विचारधारा वाले लोग हैं, आप लोग लालू जी सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, आप लोग जन स्वराज में मत जाइए। तो उनके दल में भगदड़ मची हुई है, तो घबराहट तो स्वाभाविक है। मान लीजिए आप लालटेन आपका है और उसमें से किरासन तेल चूने लगे तो आपको तो घबराहट होगी कि अब थोड़े दिन में ये पूछने वाला है। बिहार में खास पॉलिटिक्स। हेलो।